दोस्तों नमस्कार। पिछले एपिसोड में हमने ये जाना था कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और शरीर में घुसने वाले वायरस के अगेंस्ट ये कैसे काम करती हैं। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि आखिर ये कैसे पता लगाया जाए कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी या नहीं बनी, और बनी भी तो उनका ऑप्टिमल लेवल है या नहीं। हालांकि सभी को एंटीबॉडी का स्तर जानने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं उनमें अगर एंटीबॉडी का लेवल जान लिया जाए तो हमेशा उपयोगी होता है। तो ऐसे केस में अपने डॉक्टर से सलाह ले लें कि आपको एंटीबॉडी का टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं है। एंटीबॉडी का जो टेस्ट है ये ब्लड से होता है, कुछ घंटों में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। 450 से लेके 1,000-1,200 रुपये तक की इसकी कीमत होती है, और इसमें हमें दो तरीके की एंटीबॉडीज़ मालूम पड़ती हैं। पहली एंटीबॉडी ये बताती है कि आपको पहले इन्फेक्शन हो चुका है या नहीं हो चुका है। दूसरे प्रकार की एंटीबॉडी ये बताती है कि वैक्सीन के बाद एंटीबॉडीज़ बनी या नहीं बनी। एंटीबॉडी टेस्ट के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। पहला फ़ायदा ये कि आपको ये पता चल जाता है कि आपके शरीर का सुरक्षा तंत्र कितना मजबूत है। दूसरा ये, इससे ये जानकारी मिलती है कि आज से पहले हमें कोरोना का इन्फेक्शन हो चुका है या नहीं। और तीसरा ये कि वैक्सीन लगने के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ बनी या नहीं बनी। अमूमन कोरोना का इन्फेक्शन होने के बाद या वैक्सीन लगने के बाद करीब 2 हफ्ते में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन आइडियली ये 3 हफ्ते में अपना मैक्सिमम लेवल पाती हैं। तो अगर इनकी जांच हो तो 3 हफ्ते के बाद करनी चाहिए। आमतौर पे जब वैक्सीन लगती है या शरीर में वायरस घुसता है, इन्फेक्शन होता है, तो सबसे पहला रिस्पॉन्स होता है उसमें जो एंटीबॉडी बनती है उसको IgM बोलते हैं। ये शुरू के 7 से 10 दिन में बन जाती है, और इसके अगले हफ्ते में IgG नाम की एंटीबॉडी बनती है। IgM धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिक्लाइन होने लगती है, लेकिन जो IgG एंटीबॉडी है ये सालों तक हमारे शरीर में साथ रह सकती है। अब अगर एंटीबॉडी का टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इससे हमें दो जानकारियाँ मिलती हैं कि या तो हमें इन्फेक्शन हो चुका है और उसकी रिकवरी हो चुकी है, या फिर वैक्सीन लगने के बाद एंटीबॉडी का ऑप्टिमल लेवल आ चुका है। और अगर एंटीबॉडी का टेस्ट नेगेटिव या नॉर्मल रहता है तो इससे दो जानकारियाँ मिलती हैं कि हमें पहले इन्फेक्शन कभी नहीं हुआ, और अगर वैक्सीन लगी है तो उस वैक्सीन का अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, एंटीबॉडीज ऑप्टिमली नहीं बन पाई। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एंटीबॉडी टेस्ट कोरोना की डायग्नोसिस के लिए नहीं होता है, बल्कि ये पता लगाने के लिए होता है कि पास्ट में आपको इन्फेक्शन हो चुका है कि नहीं, या वैक्सीन लगने के बाद उसका रिस्पॉन्स आया कि नहीं। तो अगर आपको अपनी एंटीबॉडी का स्तर जानना है तो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें, और उसके बाद कौन सी एंटीबॉडी चेक करनी है उस सलाह के बाद अब आप अपनी एंटीबॉडी चेक करवा सकते हैं। मेरी सलाह ये होगी कि जो हाई रिस्क ग्रुप हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकती है। तो जैसा कि आपने जाना कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और एंटीबॉडीज़ कैसे शरीर में सुरक्षा तंत्र बनाती हैं, और हम कैसे जान पाएँ कि हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी, तो ये सब एंटीबॉडी और इससे रिलेटेड आम जानकारियाँ थी जो आपके लिए जानना ज़रूरी भी थी। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन सबका जवाब दूँ। और दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और इसमें जो बेल या घंटी नुमा बटन है उसे ज़रूर दबाइए ताकि मैं अपने वीडियो जब पोस्ट करूँ तो उसकी सूचना आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। आपने बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।